All right, oh, bachcha party. So we were doing arithmetic of progression. Oh. The sum of the first m terms of an AP is the same as the sum of its n terms. Show that the sum of its m plus n terms is zero. चलिए फटाफट से करना भाई साहब इसको. Quick, quick, जल्दी. m माइनस n इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका मतलब समझते हैं. m माइनस n इज नॉट इक्वल टू जीरो. डस एनीबडी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? अरे यार ये फिट रहते हैं. m माइनस n इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट मीन? मतलब m और n बराबर नहीं है. और दूसरी बात क्या है कि m n से बड़ा है. ठीक है, m इज ग्रेटर देन n, अदरवाइज दिस कुड हैव बीन नेगेटिव. ओके, सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP. तो हमको यहां पे AP का a भी नहीं मालूम है और कॉमन डिफरेंस d भी नहीं मालूम है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ इधर a और d. ओके, सो पहला assumption हमारा क्या हो जाएगा? लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. ओके, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ये कितना हो जाएगा बोलो? एस एम, दैट विल बी इक्वल टू m by 2 into 2a plus m minus 1 into d. ठीक है, m by 2 2a plus m minus 1 into d. Sum of first n terms is the same of the, is the sum is the same as the sum of its first n terms. तो s n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n by 2 2a plus n minus 1 into d. ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हैं. Sum of the first m terms of an AP is the same as the sum of its first n terms. So which means what? पहला तो हमारा ये हो जाएगा भाई साहब कि ये दोनों बराबर हैं. तो एस एम इज इक्वल टू एस एन. सो दिस विल बी एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, क्लियर है? ये पहला हो गया हमारा. शो दैट द सम ऑफ इट्स एम प्लस एन एथ टर्म, शो दैट द सम ऑफ इट्स एम प्लस एन टर्म. अगर m प्लस एन करेंगे तो ये आपको जीरो ये दिखाना है. मतलब एस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव. ये भाई साहब आपको टू प्रूव करना है. ठीक है, क्लियर है? ओके, बताओ भाई साहब इसमें क्या कर सकते हैं? तो यहां पे हम कुछ कट्टम कुट्टम तो होने वाला है नहीं. तो टू ए एम बाई टू, भाई साहब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? टू ए एम बाई टू. ठीक है, प्लस एम माइनस वन इंटू एम डी बाई टू, है कि नहीं? इस m बाई टू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? m माइनस वन इंटू एम डी बाई टू. आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, सो देन वी विल मल्टीप्लाई n बाई टू इंटू टू ए. सो दैट गिव्स यू हाउ मच? टू ए एन बाई टू प्लस दिस विल बी n माइनस वन इंटू एन डी बाई टू. आर बी क्लियर? इफ वी मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाई टू, अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा पार्टी, सो इफ यू हैपन टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, व्हाट डू वी गेट? भाई साहब आपका हो गया ए एम प्लस एम माइनस वन इंटू एम डी इज इक्वल टू टू एम. ये हो गया टू ए एन. ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू एन डी. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो अभी बताओ यहां पे क्या हो जाएगा. देखो 2 am है और यहां पे 2 an है. अगर मैं इसको इधर लाता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 am माइनस 2 an. मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? m माइनस 1 इंटू एम डी माइनस n माइनस 1 इंटू एन डी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसको अपन ने इधर लिया m माइनस 1 इंटू एम डी माइनस एन माइनस वन इंटू एन डी इज इक्वल टू जीरो. सो ये हो गया आपका 2a. यहाँ पे कितना बचता है? m माइनस एन. 2a इंटू एम माइनस एन. यहाँ पे कितना बचेगा बोलो? दिस विल बी एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू जीरो. लिख सकते कि नहीं बोलो? m इंटू एम डी तो ये हो गया एम स्क्वायर डी माइनस वन इंटू एम डी माइनस एम डी एन इंटू एन डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस माइनस ये हो गया प्लस प्लस एन डी इज इक्वल टू जीरो. आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, सो यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी
दिस विल बी टू ए इंटू एम माइनस एन, ठीक है, प्लस यहां पे एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी है, इसमें से डी को कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डी को अपन ने कॉमन निकाला, ठीक है। यहां पे देखो एम डी है और ये एन डी है, ठीक है, व्हाट कैन वी राइट दिस एज, इसको अपन इधर फेंक देते हैं, यहां पे आपका माइनस एम डी है और यहां पे एन डी है, तो अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, एम माइनस एन इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कैन वी राइट दिस पीपल, ठीक है भाई साहब, इन दोनों में देखो एम माइनस एम डी और प्लस एन डी है, मैंने माइनस को कॉमन निकाला है तो एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, मेरे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि मैं ये करते आया हूं, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। सो दीज द लेवल ऑफ दीज सम्स आर गोइंग टू गो अ लिटिल मोर डिफिकल्ट हियर, ओके, बट प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, ओके। सो आपका यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच एम पीपलम, दिस इज गोइंग टू बी 2a into m minus n, m square minus n square को क्या लिख सकते हैं अपन, a square minus b square को a minus b into a plus b लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m minus n into m plus n into d minus m minus n into d is equal to zero, ठीक है, क्लियर है। अभी अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे भाई साहब, m minus n से, m minus n से डिवाइड किया तो कितना आया यहां पे 2a प्लस, यहां पे m माइनस एन और m माइनस एन कट गया, तो ये हो गया m प्लस एन इंटू डी माइनस, यहां पे m माइनस एन और m माइनस एन कट गया, तो माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। 2a प्लस m माइनस वन, अभी ध्यान से देखो इसको क्या करना है, देखो 2a प्लस इस d को अगर मैं कॉमन निकालूं, किन दोनों में, इन दोनों में, अगर मैंने d को कॉमन निकाल दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, m प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, d को कॉमन निकाला है तो m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन। तो ये आपका भाई साहब रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब मुझे बताओ आपका जो एस एम प्लस एन है वो कितना होगा, ठीक है, एस एम प्लस वन बच्चा पाड़ी भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, एस एम प्लस एन कितना होता है, देखो एस एन की वैल्यू क्या होती है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, तो एस एम प्लस वन कितना हो जाएगा, एम प्लस एन बाई टू, ये हो गया आपका 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मेकिंग सेंस, ठीक है भाई। टाइम क्या है आपका, हाँ क्या तो तुमको क्या बताया था, मुझे नहीं मालूम ना भाई, आपका रोज लेट होता है, हाफ एन आवर लेट इज टू लेट, एम प्लस एन 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दे आर अदर पीपल हुआ कमिंग फ्रॉम कलमबुली बट दे आर ऑन टाइम, सो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी इसकी वैल्यू कितनी आई है, जीरो, ठीक है, सो व्हाट कैन यू राइट हियर, m प्लस एन बाई टू इंटू जीरो फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली इक्वेशन वन, सो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, देयर फॉर एस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हेंस अप्रूव्ड। ओके, सो एस एम की वैल्यू हो गई एस एन के बराबर, हमने क्या कर लिया भाई साहब, एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी प्लस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर हमने इसको पूरे को अरेंज किया, देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन अरेंज दिस, ठीक है, अलग अलग तरीके, देखो हमने भी टू एम टू एन को इधर शिफ्ट किया प्लस एम स्क्वायर डी, ठीक है, सो इफ वी हैपन टू डू द एंटायर शिफ्टिंग, हमको पूरे इसमें एम माइनस एन कम से कम कॉमन मिल रहा है, ठीक है, एम माइनस एन से अगर हमने डिवाइड किया तो हमको क्या मिला अल्टीमेटली 2a प्लस डी, ये आपका जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये अगर जीरो है सो ऑब्वियसली द सम ऑफ द m प्लस एन टर्म इज जीरो, ठीक है। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री रुपीज 6 लाख्स, ओके, इफ इट डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएट मतलब समझ में आता है, देखो अगर आज की तारीख में आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, और उसको अगर एक दो साल में बेचने की कोशिश करते हो, आर यू गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू एट विच यू परचेज इट, नो, सो वॉट हैपन्स इज किसी भी चीज की वैल्यू कम होती जाती है एक्सेप्ट फॉर प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है या गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसीलिए लोग ज्यादा करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे
see an appreciation instead of depreciation. Depreciation means anything that you purchase today, it's going to basically lose its value in the coming years. ठीक है, हर एक चीज की एक लाइफ होती है. जैसे भाई साहब आपने कोई गाड़ी खरीदी थी, उसकी एक लाइफ होती है. ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी लाइफ खत्म होती जाएगी. ठीक है, सो एनीथिंग दैट यू परचेज इफ यू ट्राई टू सेल इट इवन टुमारो देन देयर विल बी अ डेप्रिसिएशन. दैट्स व्हाट वी बेसिकली मीन बाय डेप्रिसिएशन. सो पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री ₹6 lakh. इफ इट डेप्रिशिएट्स इट्स वैल्यू 15% द फर्स्ट ईयर, 13.5% द नेक्स्ट ईयर, 12% द थर्ड ईयर एंड सो ऑन, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 इयर्स, ऑल परसेंटेजेस अप्लाइंग टू द टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. तो अगर हम देखेंगे भाई साहब यहां पे फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन अगर हम देखें, सिर्फ डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन भाई साहब कितना था, 15%. ठीक है, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था, 13.5%. थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था, 12%. थर्ड ईयर में कितना था भाई साहब, 12% एंड सो ऑन. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ओके, सो आपका भाई साहब यहां पे पूछा है टेंथ ईयर में कितना होगा, टेंथ ईयर में इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, टेंथ ईयर में इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस पीपल, बताइए बताइए जल्दी बताइए. अरे भाई क्या ये एपी बन रहा है, परसेंटेज जाने दो ना. इज दिस एन एपी, 15, 13.5, 12, इज दिस एन एपी. ठीक है, द डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ ईच ईयर, द डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ ईच ईयर इज बचा बाड़ी क्या, फॉर्मिंग एन एपी. राइट, सो एपी भाई साहब इसका ए कितना होगा, 15. ठीक है, और डी कितना होगा बोलो, 13.5 माइनस 15 दैट इज माइनस 1.5. इधर आ जाना भाई साहब, लटक लटक के गिरी जाएगा, तो इधर बैठ जाना, इधर खाली तो है, इस वाले चेयर में बैठ जा, इस वाले बेंच में. 13.5 माइनस 15 तो ये हो गया भाई साहब आपके माइनस 1.5. सो ये हो गया आपका माइनस 1.5. ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर. ओके, तो बताइए यहां पे टेंथ ईयर में डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इसका ए हो गया ये 15, डी हो गया माइनस 1.5. ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स एन कितने हो जाएंगे बच्चा बाड़ी, 10. बहुत बढ़िया. ठीक है, सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मेकिंग सेंस. ओके, चलिए एन बाई टू मीन्स 10 बाई टू, 2a means 2 into 15 plus 10 minus 1 into d. D is how much? Minus 1.5. Are we clear on this one? Okay. So this will be how much? 5 into 2 into 15 is 30. Okay. Plus 9 into minus 1.5. That will be how much? 5, 30 minus 9, 5s are 45. 9 वन 9 प्लस 4 13 है ना, इतना आएगा ना, 9 वन 9 135. कितना आ गया ये भाई साहब आपका, दिस इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आया आपका, दिस विल बी 5 प्लस 5 10, 9 से 3 गया भाई साहब 6, को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, 5 5s are 25, 6 5s are 30, 31 32, 5 1s are 5, 6 7 8, 82.5. और फुटबॉल वुटबॉल चालू है भाई साहब, है ना, 2-3 दिन तो हफ्ते में एबसेंट हो रहा है फुटबॉल के चक्कर में भाई साहब. 82.5 हो गया ये SN, आर वी क्लियर. ये क्या हुआ, इज दिस द आंसर, नो, ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया भाई साहब. 10 साल में इतना परसेंट डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसी चीज का, जो आपने इक्विपमेंट खरीदा है 6 लाख का, उसका डेप्रिसिएशन टोटल इज 82.5% इन 10 इयर्स. ओके, सो अभी भाई साहब अगर हम, सो देयरफॉर आपका भाई साहब जो लोग 10th के बाद कॉमर्स लेने वाले हैं,
उनका इस पे सवाल बनेगा बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग में, ठीक है। अगर आप कॉमर्स लेने वाले हैं तो अकाउंटिंग में इस तरीके के डेप्रिसिएशन के सवाल बनेंगे। हर चीज़ की वैल्यू होती है, मतलब जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो समझ लो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपकी, सो सारे जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं, उन सब की भी अकाउंटिंग होती है। ऐसा नहीं कि भाई साहब आपने क्या गुड्स बनाया और कितना बेचा और कितना पैसा आया, ये भी सब आपका पैसा है, चेयर टेबल से लेकर सब कुछ, उसकी भी अकाउंटिंग होती है और हर चीज़ की डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। उसको हम बेसिकली कॉस्ट में इंकर करते हैं। अकाउंटिंग जो है आपका बीके या अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है आपके 11th और 12th में कॉमर्स में, इनफैक्ट कॉमर्स का वो फाउंडेशन ही है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन पे बहुत सवाल बनते हैं। हर चीज़ की डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, सिर्फ प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन होती है, लेकिन प्रॉपर्टी या गोल्ड या इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं कर रखा होगा बैंक में फिक्स डिपॉजिट में, उसकी अप्रिसिएशन होती है, बाकी सारी चीज़ों की डेप्रिसिएशन होती है। सो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू मतलब आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स, सो आपका रुपीज 6 लाख है, इस पे भाई साहब कितना घट गया, 82.5%, तो 82.5/100 तो आपका कितना हो गया बोलो, 5 6 30, 6 2 12, 13 14 15, 8 6 48, 49, 4 9 50 और इधर 3 0, 1 2 3, जिसमें एक मर जाएगा पॉइंट में, तो इतना भाई साहब उसका वैल्यू घट गया है, ठीक है, इतना वैल्यू घट गया है। सो देयरफॉर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स विल बी हाउ मच, दिस विल बी रुपीज 6 लाख, ठीक है, माइनस रुपीज 495 और भाई साहब 1000, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 0 0 0, 5 + 5 = 10, 0, तो 1,05,000, सो दिस इज बेसिकली हाउ मच, रुपीज 1,05,000, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, सो दिस विल बी इट्स वैल्यू, 10 साल बाद इस इक्विपमेंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी और इसकी अकाउंटिंग होती है, मतलब आप बेसिकली जब अकाउंटिंग करते हैं तो आपके कंपनी में या फैक्ट्री में कितने एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी अकाउंटिंग होती है, तो एसेट्स में ये सारी चीज़ें जो आपके पास हैं, मशीनरी बिल्डिंग जो भी है इक्विपमेंट्स, उन सब की अकाउंटिंग होती है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, सो दिस इज बेसिकली मशीनरी और इक्विपमेंट आपका 6 लाख, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एपी अगर हो जाता है ये, ठीक है, सो सक्सेसिव ईयर्स में ये डिक्रीज होता जाएगा, तो इस तरह से मत करने जाओ, ये ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैंने जो आपको बताया 82.5%, वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ये लंबे लंबे भाई साहब कैलकुलेशन हैं इसमें, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, वही देखिए वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, अमाउंट को लिया गया है, तो मतलब इसका 15% डिडक्शन, फिर इसका 15% रिडक्शन, ऐसे लिया गया है, तो इस तरह से लिया गया। उससे अच्छा आप भाई साहब क्या करो कि जितने भी आपके परसेंटेज रिडक्शन हैं 10 साल में कितना रिडक्शन हो जाएगा उसको कैलकुलेट कर लो और इकट्ठा उसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख से। अगर उसको इकट्ठा 6 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 495 आ जाएगा, जिसको माइनस करोगे तो यू विल गेट दिस मच, ठीक है। यू कैन डू दिस एज वेल, यहाँ पे आपका 6 जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है भाई साहब 6 लाख का अमाउंट है, तो किससे हुए डिक्रीज होगा, ठीक है। हाउ इज इट गोइंग टू डिक्रीज, कितना कितना, तो 15 अगर हम करेंगे 15%, 6 लाख का कितना होता है 90,000, ठीक है। अभी उसमें से हमने माइनस किया 6 लाख से 13.5%, इस तरह से हमको माइनस करते रहना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा। इंस्टेड व्हाट यू डू इज आप इसी को एपी ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्या होगा भाई साहब, आपको टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज दैट इज हैपनिंग आफ्टर 10 ईयर्स, ऑल यू नीड टू डू इज टेक अप दिस टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख, सो यू विल गेट 4,95,000 एज अ टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट। यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द ओरिजिनल अमाउंट एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद अगर आप इस मशीनरी को बेचने जाएं मार्केट में तो इतना पैसा आपको लगभग मिलने का संभावना है, इससे कम या ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है ओके। क्या डेप्रिसिएशन वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है? हो सकती है ना भाई साहब, अरे ये घटी तो रहा है, एक टाइम आएगा जब 0 क्रॉस कर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब जब आप बेचने जाओगे तो उल्टा आपको पैसा देना पड़ेगा,
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटिंग में मतलब हम जब भी देखते हैं कि एकदम जीरो वैल्यू आ चुकी है, जीरो वैल्यू आ चुकी है, तो उसको भंगार में बेचना पड़ता है, मतलब भंगार वाला जितना दे, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन अलग से होती है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली एपी को फॉलो करें तो भाई साहब डिप्रिसिएशन तो नेगेटिव भी होगा ना, ये तो डिक्रीज होता ही जा रहा है, 15 से 13.5, 13.5 से 12, ऐसा करते करते एक टाइम आएगा जब वो जीरो से नेगेटिव में चला जाएगा। बट इन प्रैक्टिकलिटी डजेंट हैपन दैट वे। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को बेचने जाएंगे तो उल्टा आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये भंगार वाले जितने में उसको लेंगे, मतलब वो अभी उसका जीरो वैल्यू हो गया, ठीक है, तो भंगार में जितना मिल जाए आपको। ओके, भाई आज क्या है, ये सब स्कूल वाले कहाँ ही निकल रहे हैं आज क्या? तू बड़ा यूनियन लीडर है मैं सुना। अच्छा जी ओके, एडिशनल सम्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी। सुषमा पाटा बहुत बढ़िया, ठीक है। एडिशनल सम्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी। गई नहीं, गई नहीं। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। अरे यार फिर लग गया। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। तो 15 अगस्त को कुछ नहीं, मतलब छुट्टी है। अच्छा आज सबको प्रोग्राम करा के, अरे बढ़िया ही है। लड्डू पेड़ा जो बांटते हैं वो नहीं बांटेंगे, बांटेंगे लड्डू डू मिलता है कि नहीं, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, चॉकलेट। हमको समोसे और लड्डू मिलते थे भाई। ओके, द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो एक रो में हाउसेज हैं और इनकी नंबरिंग हुई है 1 से लेकर 49 तक। such that there is a value of x, such that there is a value of x, such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the houses following it। समझ में आता हूँ धत? कुछ नहीं समझ में। ओके, तो समझो भाई साहब यहाँ पे houses हैं, ये आपका 1, 2, 3 ऐसे houses हैं, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक है भाई साहब? 49 तक, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपके houses के numbering हुई है, ठीक है। सच दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, सच दैट द नंबर ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स। तो समझ लो ये भाई साहब हाउस नंबर एक्स है, इसके पहले जितने हाउसेस हैं, ठीक है, इसके पहले जितने हाउसेस हैं और इसके बाद जितने हाउसेस हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? इन सब को अगर हम ऐड करें तो जितना आएगा, इन सब को ऐड करें तो उतना आएगा। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द नंबर एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो, सम,
ठीक है, मतलब आप ये मत बोलो कि अरे 49 का आधा निकाल दो मामला खत्म हो गया, नहीं, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रिसीडिंग द नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस आफ्टर एक्स, ठीक है, मतलब इन सब नंबर्स को आप अगर जोड़ेंगे और इन सब नंबर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो दोनों वैल्यू सेम होंगे, क्या समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी देखो समझ लो एक्स इज द हाउस, ठीक है, सो पहले तो हम देख लेते हैं सम सम ऑफ द हाउसेस और हाउस नंबर्स प्रिसीडिंग एक्स, सम ऑफ द हाउस नंबर्स प्रिसीडिंग एक्स, सम ऑफ द हाउस नंबर्स प्रिसीडिंग एक्स, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी लास्ट टर्म क्या है यहां पे एक्स, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, कितने टर्म्स हो जाएंगे भाई, कितने टर्म्स हो जाएंगे? एस एन होता है तुम्हारा क्या, एस एन होता है भाई साहब एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा क्या है भाई साहब एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यही है ना भाई साहब दो फॉर्मूलेस, तो यहां पे एन कितना होगा? अरे दत्त मैं पूछा हूं एन कितना होगा भाई पांडे, एन कितना होगा तिवारी? अरे भाई साहब तुम लोग क्या सवाल नहीं समझ पा रहे हो क्या? यहां तक एक्स तक कोई हाउस है, एक्स तक जितने भी हाउसेज हैं उनको अगर हम ऐड करें दैट इज वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसा करते करते एक्स तक जाएं, दैट नंबर दैट इज सम ऑफ द दीज हाउसेज विल बी इक्वल टू द हाउसेज आफ्टर इट, मिडिल में ऐसा मत सोचो, ठीक है? चलो तुम्हारे भाई साहब दुविधा दूर किए देते हैं, इसको हम यहां से शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है? चलो अब बढ़िया भाई साहब, अब तो कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है? चलो यहां पे x, ठीक है, यहां पे कहीं पे x, ठीक है, तो यहां पे जितने भी हाउसेज हैं इनके नंबर्स को अगर हम ऐड करें और यहां पे जितने भी हाउसेज हैं इनके नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो वो बराबर है, सवाल समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे भाई साहब x नंबर हाउस है तो x नंबर तक कितना आपका हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा x, ठीक है, n का वैल्यू हो गया x, तो यहां पे n बाई टू डालो मतलब x बाई टू हो गया ये, और यहां पे x वाले हाउस का लास्ट टर्म आपको मालूम है क्या है x, इस पूरे फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो भाई साहब a प्लस x, क्योंकि दो फॉर्मूलेज है ना आपके सम को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्मूलेज हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस x, एक ये फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है सम को रिप्रेजेंट करने का, तो यहां पे आपको लास्ट टर्म मालूम है इस सीरीज में, लास्ट टर्म है आपका x, सो इंस्टेड ऑफ l यू विल पुट एस x एंड द फर्स्ट टर्म इज नोन टू यू दैट इज हाउ मच, x की जगह पे a की जगह पे आ गया आपका 1, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका भाई साहब कितना, दिस विल बी x बाई टू इंटू वन प्लस एक्स, एक्स बाई टू इंटू वन प्लस एक्स, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ओके, अभी हमको भाई साहब सम करना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो मुझे बताओ अभी यहां पे कितना सम हो जाएगा, बताओ 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 जल्दी से, तो आपका यहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगा x, ठीक है, अब बताओ मेरे को सीरीज, द सेकेंड सीरीज ऑफ हाउसेस, सेकेंड सीरीज ऑफ हाउसेज आफ्टर x, नहीं पहला टर्म x नहीं होगा, हाउसेज आफ्टर x, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, यहां तक तो तुमने x माना था ना, अभी होगा तुम्हारा x प्लस वन, फिर x प्लस टू, ऐसा करते करते भाई साहब 49 तक, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे भी तुमको लास्ट टर्म मालूम है और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1, ठीक है, a प्लस एल, तो आपका भाई साहब यहां पे सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा, अभी यहां पे कितने टर्म्स हो जाएंगे वो बताओ, n यहां पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, 49 इधर टोटल है उसमें से x को हटा दो, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच 49 माइनस एक्स, आर पीपल फॉलोइंग दिस पीपल, भाई यहां पे आपका 49 तक था, यहां पे आपने x हाउसेस के बाद यहां से काउंटिंग चालू की है, तो ऑब्वियसली ये कितने हो जाएंगे 49 माइनस एक्स, दैट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, तो ये हो गया आपका n का वैल्यू, अभी भाई साहब सम ऑफ ये वाला अगर हम ऐड करें भाई साहब तो ये हो जाएगा x, x की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 49 माइनस एक्स बाई टू, एन बाई टू इंटू ए दैट इज एक्स प्लस वन प्लस एल, एल की वैल्यू क्या है यहां पे 49, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल, हम दिस विल बी 49 माइनस एक्स बाय टू, और यहां पे हो गया आपका एक्स प्लस 50, ठीक है, ये हो गया आपका सम, तो ये सम बताइए भाई साहब, ये वाला सम और ये वाला सम क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा, सो देयर फॉर
एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस 50। तो भाई साहब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। तो कितना बचा यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ। ओके, तो अब भाई साहब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू एक्स, कितना आ जाएगा 49x माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी भाई साहब इसको 49 से मल्टीप्लाई करो, तो भाई साहब 9 5 45 5 4 20 2 4 5 0। ठीक है, और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो योग्य आपका माइनस 50x। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके, 49x माइनस 50x कितना हो गया बोलो, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 4 5 0, और इधर कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर भाई साहब इन सब को इधर कर ले, तो एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही हो गया 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको इधर लिया तो एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x। ठीक है, प्लस 2x, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस 2 4 5 0 इज इक्वल टू 0। इसको अपन ने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 12 24 2 2 4 2 5 10, तो 1 2 2 5। आर वी क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब 1 2 2 5 का हम देख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 2 5 6 7 8 9 1 10 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20 5 9 ज़ा 45 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इसी में से आपको निकालना है कि किसी एक का कॉम्बिनेशन हमको क्या दे दे, x दे दे। कैसे आ जाएगा भाई साहब बताइए, 7 7 ज़ा 49 और 5 5 ज़ा 25 है, कैसे करेंगे जल्दी जल्दी, इतना ही आ रहा ना, 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 ज़ा 10 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा। कौन है भाई साहब ये म्यूजिशियन, ओए कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला मेथड याद है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू 1 2 2 5, माइनस में है ये, ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू 1। चलिए भाई साहब इसको वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी माइनस 1, सो ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस, ठीक है, 1 2 2 5 1 2 2 5 इंटू 4 5 4 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8 9 10 4 2 ज़ा 8 1 9 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 9 0 0 अपॉन 2। इसका आ जाएगा भाई साहब कितना, माइनस 1 प्लस माइनस 4 9 0 1 बाई 2। इसका स्क्वायर रूट आएगा क्या भाई साहब, 7 7 ज़ा 49, इसका स्क्वायर रूट नहीं आया, कहीं तो गलती हो रही है भाई साहब, हाउसेज आर नंबर्ड 1 2 3 4, लेट्स से दिस इज द एक्स्थ हाउस, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज हाउसेज दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज हाउसेज। क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक लेकर जो हाउसेज हैं इनका सम ऑफ द नंबर्स विल बी इक्वल टू x से लेकर 49 तक। ठीक है, तो s x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे x माइनस 1 लिया है, मतलब x से स्टार्टिंग है, सर दे द वैल्यू सर सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रिसीडिंग, हाँ ये भूल गया मैं ऐसे भाई, प्रिसीडिंग होगा यहाँ पे। ओके, सो प्रिसीडिंग मतलब x के पहले तक का, मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म होगा आपका x माइनस 1, और यहाँ पे आपका जो टर्म होगा वो होगा x x प्लस 1 से लेकर 50 तक। ओके, सो इफ आई लुक इनटू दिस, हमारे यहाँ पे भाई साहब गड़बड़ ये हो गया कि हमने x इसको ले लिया है,
तो x माइनस वन इसका लास्ट टर्म होगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली x माइनस वन. तो सम ऑफ द हाउस नंबर्स प्रिसीडिंग x, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे आपका लास्ट टर्म है, सो दिस विल बी x माइनस वन बाई टू, एन बाई टू इन टू, पहला आपका क्या है वन प्लस लास्ट टर्म इज x माइनस वन, है ना, एन बाई टू इन टू ए प्लस एल, ठीक है, ये हो गया. और दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, दूसरे वाले में ये पहला टर्म होगा x x प्लस वन से लेकर 49 तक, ठीक है. सो यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलो, दिस विल बी हाउ मेनी टर्म्स वुड दिस बी, 49 माइनस x माइनस वन, ठीक है, बाई टू इन टू ए दैट इज x प्लस एल दैट इज 49, ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस x प्लस वन अपॉन टू इन टू एक्स प्लस 49. सो दिस विल बी 50 माइनस एक्स बाई टू इन टू एक्स प्लस 49, ठीक है, क्लियर है, ओके. अभी ये दोनों भाई साहब, ये वाला जो वैल्यू आया है और किधर गया भाई साहब, ये वाला वैल्यू, ठीक है. सो दिस विल बी ऑब्वियसली कितना हो गया x, ठीक है, तो x इन टू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 50 माइनस x इन टू एक्स प्लस 49 बाई टू, ये भाई साहब इंटू टू कर दो, दोनों भी है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 50x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 49 इंटू 50 कितना है भाई साहब, 49 इंटू 50 9 5 45 4 5 20 2 4 5 0, तो ये हो गया 49 इंटू 50 हो गया आपका 2 4 5 0 माइनस 49x, ठीक है. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पे आपका प्लस 49, तो ये हो गया आपका कितना प्लस 48x, ठीक है. इसको इधर लिया तो 2x स्क्वायर, अच्छा 50 माइनस 49x ऐसे कर लो भाई साहब, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 50 माइनस 49x कितना हो जाएगा x, x को अगर हमने उधर लिया तो माइनस x, तो माइनस x माइनस x, ये हो गया आपका माइनस 2x, माइनस 2 4 5 0 इज इक्वल टू, फिर भी वही आ रहा है भाई साहब, तो का किया जाए, तब का किया जाए, 1 2 2 5 ही आएगा ये, तो 2 4 5 0, सो एस एक्स माइनस वन एस 49 माइनस, अच्छा ठीक है भाई साहब, चलिए एस 49, हाँ ये भी कर सकते हैं, देखो देयर इज वन थिंग, आपने अगर सारे को टोटल कर लिया और उसमें से एस माइनस एक्स को निकाल दिया तो ये बाकी सारे हाउसेस का सम हो जाएगा, ठीक है. सो एस एक्स माइनस वन मतलब यहां से लेकर लास्ट टर्म आपका क्या होगा, एक्स माइनस वन होगा, इज इक्वल टू एस 49, मतलब सबको टोटल किया और एस एक्स तक जो आपका समेशन है उसको भाई साहब निकाल दो, ठीक है, एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स, तो आपके भाई साहब ये हो गए ए पी, और तो एस एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन टू इन टू वन और एक्स माइनस वन माइनस वन, ठीक है, इन टू डी दैट इज वन, एक्स 49 कितना हो जाएगा 49 बाई टू, टू इंटू वन 49 माइनस वन, और एस एक्स कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 2 2 5, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई तो आप प्लस माइनस 35 आ रहा है, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं सो दिस विल बी बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 35, ठीक है, ओके ओके ओके. Which term of the AP is the first negative term? चलिए फटाफट करना भाई साहब. Which term of the AP is the first negative term? कैसे निकालेंगे भाई साहब इसमें? तो पहले हम जीरो निकाल लेते हैं, ठीक है? Let nth टर्म बी जीरो, अगर जीरो हुआ तो वेल एंड गुड, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो नेगेटिव टर्म हो जाएगा. तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, फाइंड n फॉर, तो हम यहां पे पहले ये हिंट है देखो, फॉर n नम एन एन विच इज लेस देन जीरो, तो लेट द nth टर्म बी जीरो. तो हमारा एपी में a कितना है यहां पे 121, d की वैल्यू कितनी है तानिया, d की वैल्यू 117 माइनस 121 दैट विल बी हाउ मच माइनस 4, ठीक है, ये हो गया 4 की वैल्यू, ओके. एस एन
विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो लेट से हमने मान लिया, तो आपका ए एन कितना हो जाएगा, ए एन विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सो हम दट ए एन एन एथ टर्म है ये. अमित फॉर्मूला क्या है एन एथ टर्म का, फॉर्मूला क्या है? ओए तिवारी क्या है? नहीं हाँ, ए प्लस एन माइनस वन टू डी. तो ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, सो दैट विल बी हाउ मच 121 प्लस एन, एन इज नॉट नोन टू अस, एन माइनस वन इन टू डी विच इज माइनस फोर, सो दैट विल बी 121. ये हो गया आपका माइनस फोर एन प्लस फोर, सो दैट इज हाउ मच 125 माइनस फोर एन. सो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 125 माइनस फोर एन, दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू जीरो, 125 माइनस फोर एन इज इक्वल टू जीरो. तो माइनस फोर एन इज इक्वल टू माइनस 125, सो देयर फॉर एन इज इक्वल टू माइनस 125 बाई माइनस फोर. कैंसिल हम कैंसिल हम, फोर थ्री ज़ा 12, फोर वन ज़ा 4, फोर टू ज़ा 8, फोर फाइव ज़ा 20. 31.25, ऑब्वियसली 31.25 कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब अगर जीरो होता तो 31.25 टर्म में जीरो हो जाता, तो आपका कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा? 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, सो देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. अभी देख लो यहां पे, चाहे तो एक रफ वर्क करके देख लो भाई साहब. अगर हम यहां पे लेट से 31st टर्म को निकाल रहे हैं, तो ए 31 कितना हो जाएगा बोलो, ए प्लस 31 माइनस 1 इनटू डी. लेट्स कैलकुलेट दिस, ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, 121 प्लस 30 इंटू डी कितना है, माइनस फोर. तो ये हो जाएगा आपका 121 माइनस 120, तो ये आ गया आपका 1. ठीक है, 32nd टर्म, तो इसका मतलब 31st टर्म क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव. ठीक है, 32nd टर्म क्या आ जाएगा, देखो 32nd टर्म विल बी ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, सो दैट विल बी 121 प्लस 31 इंटू डी, दैट इज माइनस 4, सो दैट विल बी 121 माइनस 4 वन जा 4, 3 4 जा 12, 124. तो ये कितना आ गया बोलो, माइनस 3. ठीक है, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका माइनस 3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो ये आपका पहला नेगेटिव टर्म हो गया. ये तो आपका रफ वर्क है, ये आपकी जरूरत नहीं है. ठीक है, बट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म हियर इज हाउ मच, माइनस 3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो आपका ए हो गया, ये डी हो गया भाई साहब, 117 माइनस 4. सो यहाँ पे आपका दिस इज लेस देन जीरो. ऐसे भी कर सकते हैं, लेस देन जीरो से भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अगेन 32.5 अगर आप देखोगे, सो एन एथ टर्म इज द नंबर, सो 31.25 तो हो नहीं सकता, तो 32nd. सो व्हेन एन इज इक्वल टू 32nd, टी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, दिस विल बी आपका आ गया भाई साहब 31 माइनस 4, सो दैट विल बी 124, दैट इज माइनस 3. ठीक है, so the first negative term of the AP is minus 3, 32nd term. ठीक है, ओके ओके ओके. फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द फॉलोइंग. चलिए इसको तो निकाल सकते हैं भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी, सेम तरीके से निकालना है इसको, फटाफट एवरीवन, क्विक क्विक. फिर से का भाई साहब, का हो रहा है?
हो गया, डन डन डन। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आपका भाई साहब यहां पे ए की वैल्यू 122 हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 116 माइनस 122, तो दैट विल बी व्हाट, हाउ मच, माइनस 6। ठीक है, डी की वैल्यू हो गई माइनस 6। फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आप पहले मान लेते हैं लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, नेगेटिव टर्म मतलब आपका a n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे लेट से आपका 0 हो गया, a यहां पे कितना है बोलो 122 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज माइनस 6, सो दैट इज 122 माइनस 6n प्लस 6, तो ये हो गया आपका 128 माइनस 6n इज इक्वल टू 0, 6n की वैल्यू हो गई 128, तो n की वैल्यू हो गई 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 3s are 18 अप्रॉक्सीमेटली, ये इतना आएगा भाई साहब। ठीक है, सो ये आपका 0th टर्म है, ऑब्वियसली ये 0 नहीं हो रहा है क्योंकि टर्म अगर होता तो 21st टर्म आता या तो 22nd टर्म आता, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 22nd टर्म, 22nd टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, 22nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्लियर है। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव, आपको नेगेटिव टर्म को फाइंड आउट भी करना है, तो कर लीजिए भाई साहब, ए 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 122 प्लस 21 इंटू डी दैट इज हाउ मच माइनस 6, सो दिस इज गोइंग टू बी 122 माइनस 6 1 6, 2 6 12, सो ये हो गया आपका माइनस 4, सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज माइनस 4, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द 22nd टर्म एंड द वैल्यू ऑफ द 22nd टर्म इज माइनस 4, क्लियर है, ओके ओके ओके। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, एक सीढ़ी है भाई साहब और हर एक का जो सीढ़ी का वो जो जिसमें आप चढ़ते हैं वो 25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, तो इनका जो ऐसे है, ऐसे है लैडर, ठीक है, इस तरह से सीढ़ी गया ऊपर। ठीक है, द डिक्रीज इन लेंथ इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ठीक है, वॉट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो कितना लेंथ ऑफ द वुड टोटल रिक्वायर होगा रंग्स के लिए। ठीक है, चलिए भाई साहब क्विक जल्दी करने है, डायग्राम तो दिया ही नहीं वैसे भी रे बाबा रे। चलो भाई साहब ये लैडर हो गया आपका। ठीक है, लैडर हैज 25 सेंटीमीटर अपार्ट, तो मतलब ये जो है कितना दूर है भाई साहब 25 सेंटीमीटर, ये भाई साहब कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक रंग और दूसरे रंग में कितने का डिफरेंस है, हर एक रंग में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, सो लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, तो ये वाला जो रंग है, ठीक है, दैट इज ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ कितनी है भाई साहब 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, तो ये कितना है भाई साहब आपका 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब ये जो टॉप रंग है, तो अगर हम देखेंगे भाई साहब यहां से इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई साहब 25, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, 2.5 मीटर मतलब हो गया आपका 2.5 × 100 cm, दैट इज हाउ मच 250 सेंटीमीटर, तो इनके बीच में भाई साहब 25 सेंटीमीटर है।
तो कितने रंग्स हो जाएंगे? पहली बात तो रंग्स कितने होंगे भाई? इजी है, टोटल दो रंग्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? 25 सेंटीमीटर का। और टोटल पहले वाले रंग में और लास्ट वाले रंग में कितने का डिफरेंस है? 250 सेंटीमीटर का। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स विल बी हाउ मच? बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा? ये हो गया 250, ठीक है, अपॉन कितना है भाई साहब? एक का डिवीजन का 25, ठीक है। अभी 250 बाई 25 प्लस एक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पहला वाला है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं ना, यू आर नॉट काउंटिंग। आपने पहले वाले को तो छोड़ दिया है, अभी आपने 25, 50, 75, 100 ऐसा करते करते आप कहां तक जा रहे हैं? 250 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने पहले वाले को तो काउंटिंग में नहीं लिया है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, यहां से चालू किया ना आपने, 25 में पहला, 50 पे दूसरा, और 250 पे इतना है ना, तो कितना है 250 पे 10वां, लेकिन पहला वाला तो आपने छोड़ दिया काउंटिंग में। तो नंबर ऑफ रंग्स विल बी इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग योर फर्स्ट वन इज दिस वन, आफ्टर 25 सेंटीमीटर द फर्स्ट वन, आफ्टर 50 सेंटीमीटर द सेकंड वन, सो आफ्टर 250 सेंटीमीटर इट विल बी द 10th वन। हाउ? 250 बाई 25। बट व्हाट अबाउट दिस वन व्हिच यू हैव नॉट काउंटेड? तो ये आपको काउंट करना पड़ेगा, इसलिए प्लस वन हो गया। ठीक है, क्लियर है? सो दिस विल बी हाउ मच? नंबर ऑफ रंग्स इज 6। यही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो गया आपका 6। नाउ लेट्स लुक एट इट। तो पहले आपका भाई साहब लेंथ ऑफ द फर्स्ट रंग, लेंथ ऑफ द रंग्स अगर हम देखें, लेंथ ऑफ द रंग्स दिस इज हाउ मच? दिस इज इक्वल टू, पहला कितना है आपका? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। इफ द टॉप लैडर हैज रंग्स, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर द टॉप। अभी हमको यहां पे भाई साहब मालूम नहीं है, और यहां पे लास्ट वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर का है, डी अपने को नहीं मालूम है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम है, कितने हैं भाई साहब? 6। ठीक है, सो हियर व्हाट इज नोन टू अस, दिस इज देयरफॉर दिस इज एन एपी विथ विथ क्या क्या दिया हुआ है आपका बोलो? फर्स्ट टर्म ए दैट इज गिवन एज हाउ मच? 45। व्हाट इज द लास्ट टर्म? लास्ट टर्म ए एन लिख लो या एल लिख लो, दैट इज गिवन एज 25। ठीक है, क्लियर है? दैट इज गिवन एज 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं आपके? 6। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आप डी फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द लंग्स? तो पहली बात तो आपको यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, कितना वुड लग रहा है सिर्फ लंग्स को बनाने के लिए, ये जो रंग्स हैं आपके इनको बनाने के लिए कितना वुड लग रहा है, तो एस एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एस एन में एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम सीधा अगर एस एन लगाते हैं तो देयरफॉर एस 6 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 6 बाई 2 इंटू ए हमको मालूम है कितना है यहाँ पे? 45। और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 25। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, हमको यहाँ पे डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वॉट वी नीड टू फाइंड आउट इज द अमाउंट ऑफ वुड दैट यू रिक्वायर टू मेक दीज रंग्स। ओके, सो हियर इट इज एन बाई टू, दैट इज हाउ मच? 6 बाई 2 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 45। और एल की वैल्यू कितनी हो गई? 25। सो दैट विल बी 6 बाई 2, दैट इज 3। 45 प्लस 25, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 1 5 6 7, सो दैट इज हाउ मच? 7 3 is 210। आर वी क्लियर? दिस विल बी द अमाउंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द रंग्स? सो देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द रंग्स इज इक्वल टू 210। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे 250 सेंटीमीटर अपार्ट है, नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे? 250 प्लस 25, ये हो गया आपका 11। सो इट इज गिवन, तो आपका भाई साहब यहां पे 25th 11th टर्म, इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको पूरा पूरा देखो n बाई टू इंटू ए प्लस एल, देखो वही निकल रहा है 11 बाई 2। 11 कैसे हो गया भाई साहब यहाँ पे? अच्छा 10 प्लस 1 11 था ना, हमने 10 ही किया। ओ ओ ओ ओ ठीक है, 11 बाई 2। ओके 385 होगा, 3.85। ओके, अ स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long.
built up of solid concrete. Each step has a rise of 1.4 meter and a thread of 1.2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको. Quick. कौन गुले तुम लोग में से? सीरियस मात्रे और यक्षिता और कौन है टुडे? वरद सवाल कर रहा क्या? ओके सो देखो यहां पे स्टेप्स हैं. दीज आर बेसिकली स्टेप्स. एक के बाद एक भाई साहब स्टेप्स हैं आपके. सो एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें ऐसे स्टेप्स हैं. स्टेडियम में होगा या जो भी होगा. ठीक है, इस तरह से स्टेप्स हैं भाई साहब. These are basically steps and these are 15 in number. A small terrace at a football ground comprises of 15 steps. So these are 15 in number. So let's say this is the 15th step. 50 steps. Aise 15 steps hain. 15 steps, each of which is 50 meter long. Har ek ka length kitna hai bhai sahab? 50 meter long hai. Theek hai? So each is basically 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1.4 meter. तो हर एक का भाई साहब rise कितना है यहाँ पे? 1.1 by 4 meters. 1 by 4 meters. इसका भी rise कितना होगा भाई साहब? 1 by 4 meters and so on and so forth. And a thread of 1.2 meter. Thread मतलब ये देखो ऐसा और ये ऐसा thread. इसको अपन बोलते हैं thread. ठीक है? So that is how much? Half meter. तो थ्रेड आपका कितना हो गया? हाफ मीटर. मतलब देखो अगर स्टेप ऐसा है ना, देखो लेट्स से इसको अगर हम सामने से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है. अगर हम साइड से देखें तो ये जो है आपका एक स्टेप है.
दिस इज बेसिकली हाउ अ स्टेप वुड लुक लाइक. ठीक है, सो दिस इज हाउ अ स्टेप वुड लुक लाइक. तो यहां पे जो राइज है, ये जो राइज है फॉर ईच स्टेप, ये जो राइज है दैट इज हाउ मच, 1/4 meters, और ये है आपका थ्रेड, दिस इज बेसिकली थ्रेड दैट इज हाफ मीटर्स, हाफ मीटर का आपका थ्रेड. यहां पे भी देखो, हाफ मीटर का आपका थ्रेड. ठीक है, सो दिस इज हाफ मीटर का थ्रेड और ये आपका राइज 1/4 meters का. ठीक है, क्लियर है? तो आपका हाफ मीटर का जो थ्रेड है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है हर बार, लेकिन 1/4 बढ़ता जाएगा. ठीक है, आपको यहां पे इस पूरे को बनाने में जितना कॉन्क्रीट लगेगा उसको कैलकुलेट करना है. हाउ विल बी फाइंड दिस आउट? तो भाई साहब अगर हम देखेंगे यहां पे इसका वर्टिकल अगर हम देखें तो ये आपका पहला स्टेप हो गया. ठीक है, लेट्स से ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया, और ऐसे करते करते भाई साहब 15 स्टेप हो गया यहां पे. ठीक है, दिस इज बेसिकली द 15 स्टेप. सो ये हो गया आपका भाई साहब हाउ मच, हाफ मीटर. ये हो गया आपका हाफ मीटर, ये हो गया आपका हाफ मीटर. ठीक है, और ये कितना हो गया भाई साहब, 1/4 meter. ठीक है, तो आपका ये वाला कितना है भाई साहब, 15th स्टेप है. दिस इज द 15th स्टेप. सो यू हैव टू फाइंड आउट द कितना कॉन्क्रीट इस पूरे कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है. ऐसे भाई साहब ये ऊपर जा रहा है, कितना कॉन्क्रीट यूज हुआ है. ठीक है, तो पहले वाले में कितना कॉन्क्रीट यूज हुआ रहेगा, हाउ मच विल बी द कॉन्क्रीट यूज इन द फर्स्ट वन, 1.4 इंटू, बस वो तो एरिया आएगा प्लस हाफ ना. ये क्या एक क्यूब ही तो है, एक क्यूब का भाई साहब वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो आपका भाई साहब लेंथ कितना है, थ्रेड कितना है हाफ का, ब्रेथ कितना है भाई साहब आपका, मतलब हाइट कितना है, 1/4 का. तो हर एक इसका लेंथ, फर्स्ट क्यूब बेसिकली वॉल्यूम जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ कितना है 50 meter, ब्रेथ मतलब आपका कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज हाउ मच, 1/4. ठीक है, इंटू हाइट कितना है बोलो, हाइट इज 1/4 है, सॉरी, ब्रेथ आपका कितना हो गया, ब्रेथ इज दिस मच, ठीक है, हाफ. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 1/2 जो थ्रेड का है, 1/2 ये वाला हो गया आपका ब्रेथ. ठीक है, ये वाला आपका ब्रेथ हो गया, और ऐसे जा रहा है ना ये 50 meter का, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, और ये हो गया आपका हाइट, दैट इज 1/4. ये हो गया पहले वाले का. ठीक है, क्लियर है? दूसरे वाले का बताइए कितना हो जाएगा, सेकेंड स्टेप क्यूब, क्या बोल रहे हैं, सेकेंड स्टेप. ठीक है, सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप का बताइए मुझे, सेकेंड स्टेप मतलब ये वाला, देखो ये वाला, इसका भाई साहब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ बताइए कितना है, वही सेम 50. ठीक है, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज अगेन 1/2, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी भाई साहब, हाँ, 2 into 1/4. ओके, सो ये हो जाएगा आपका 2 into 1/4, मतलब ऐसा अगर हम करते रहे भाई साहब, ठीक है, तो सब में हमको ये कॉमन मिल जाएगा, दिस इज बेसिकली कॉमन. ठीक है, तो अगर हमको पूरा वैल्यू के, तो एपी भाई साहब कैसा होगा, एपी विल बी समथिंग लाइक दिस. आप यहां पे 50 into 1/2 को कॉमन निकाल लो और यहां पे ऐड करते रहो, क्या क्या, 1/4 प्लस यहां पे 2 into 1/4 प्लस 3 into 1/4, ऐसा करते करते आपका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा बोलो, 15 into 1/4. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस विल बी 15 into 1/4, सो दैट्स गोइंग टू बी प्लस 15 into 1/4. अभी इस 1/4 को भी बाहर फेंक दो, तो यहां पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 50 into 1/2 into 1/4. यहां पे सिंपल सा एपी क्या आएगा आपका, 1 plus 2 plus 3, ऐसा करते करते भाई साहब 15 तक. ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 225, तो ये हो गया 25/4, और इधर आपका 15 टर्म्स को ऐड करना है, तो 15 टर्म्स का एडिशन क्या आ जाएगा, 15/2 into a plus l, a plus l मतलब a by, ठीक है, n/2 into a plus l, sn का फॉर्मूला है, sn के दो फॉर्मूलेज हैं, n/2 into 2a plus n-1 into d एंड n/2 into a plus l. सो हियर वी आर अप्लाइंग a plus l, सो दिस विल बी हाउ मच, 25/4. यहां पे हो गया आपका 15/2 into 16, सो दिस विल बी 2 8 16, यहां पे 4 1 4, 4 2 8, 15 2 30, तो 25 into 30, दैट विल बी 25 into 3, दैट इज 750 meter cubic.
क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? 750 मीटर क्यूबिक विल बी द टोटल वॉल्यूम. कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, सो दैट विल बी 750 मीटर क्यूबिक. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सो इस तरह से देखो स्टेप्स जा रहे हैं, दीज आर द स्टेप्स दैट आर देखिंग. ठीक है, हर एक स्टेप का लेंथ कितना होगा? 50. भाई साहब राइज कितना है? ये जो थ्रेड है ये सबका हाफ होगा, दिस विल बी हाफ. और ये जो राइज है ये कितने का है? 1/4 का. तो एक्चुअली एपी आपका 1/4 का है. ठीक है, एपी आपका 1/4 का है. सो ईच स्टेप एज अ राइज ऑफ, ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया आपका 1/4, ये थ्रेड हो गया. देखो दिस इज बेसिकली द थ्रेड दैट इज 1/2. ठीक है, सो ईच स्टेप, तो आपका भाई साहब द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच स्टेप, तो ये तो कॉमन हो गया भाई साहब हाफ, और ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ ये सबका कॉमन हो गया 50 × 1/2. ठीक है, सिर्फ 1/4 का आपका है. तो हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज 1/4, हाइट ऑफ द सेकंड स्टेप ऑब्वियसली कितना हो गया? 2/4. सिमिलरली हाइट ऑफ द थर्ड स्टेप इज 3/4, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो हाइट हो रहा है ये आपका एपी में है, बाकी सारी चीजें आपकी कॉमन है. ठीक है, ओके, सो लेट V1 V2 V3 अगर हमने वॉल्यूम मान लिया इसका, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 50 × 1/2 × 1/4. V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 50 × 1/2 × 2/4. ठीक है, V3 की वैल्यू 50 × 1/2 × 3/4, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमने देखा कि भाई साहब यहां पे इसका एपी बन रहा है. देखो इन सबको तो हमको ऐड करना है, तो ऑब्वियसली इसका एपी बन रहा है, तो इन सबको हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो अगर हमने इसको ऐड किया, सो ऑब्वियसली 50 × 1/2 × 1/4 आपका कॉमन हो गया. 50 × 1/2 × 2/4 इसको ऐड करते जा रहे भाई साहब. तो इस तरह से अगर हमने 50 × 1/2 को, बेटा सो जाओ, यही तो जगह है. 50 × 1/2 × 1/4 + 2/4 ऐसा करते करते भाई साहब 15/4. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग एन एपी. 4 को भी बाहर निकाल लो, 1/4 को अगर आपने बाहर निकाल लिया तो दैट विल बी 1 + 2 + 3 up to 15. सो दैट्स गोइंग टू बी 750 मीटर क्यूबिक. ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस इज 750 मीटर क्यूबिक. आपके जो ट्रेंड हैं भाई साहब सवालों के, वो इस तरीके के सवालों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी आपका पीईपी का प्रोग्राम चल रहा है. पीईपी मतलब समझते हैं, आपका जो सॉरी आपका एनईपी जो है, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हुई है, उसमें आप के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बढ़ जाएंगे. मतलब आप जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू बेसिकली अप्लाई. ये एक भाई साहब बैठे हैं, उनको ना कुछ मतलब नहीं है. आर यू रियली बॉदर्ड अबाउट स्टडीज? आई डोंट थिंक सो आर्यन, आई डोंट एट ऑल थिंक सो. यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड एवरी डे. सो इस तरह से आपका भाई साहब क्या होगा, दिस विल बी बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज, तो इस तरीके के सवाल अभी बढ़ने वाले हैं. ठीक है, डिवाइड 32 × 4 parts विच आर इन एपी. अच्छा एक चीज और, जब आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करने में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं. अगर हमारा 3 terms का एपी है, देखो लेट से अगर कोई एपी है, इफ 3 terms ऑफ एन एपी आर देयर, और इसमें ए और डी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या अज्यूम कर लोगे? पहला वाला टर्म ए माइनस डी, दूसरा वाला ए और ए प्लस डी. भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर समझ लो आपके 3 terms किसी एपी के बोले जा रहे हैं, एन एपी हैज गॉट 3 terms और उसमें ए और डी की वैल्यू नहीं दी हुई है, बाकी कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, तो आप यही अज्यूम कर लो. देखो क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है? देखो ए माइनस डी है, प्लस डी करोगे तो ए आ जाएगा, प्लस डी करोगे तो. अच्छा अगर 4 terms रहे, इफ 4 terms ऑफ एन ए पी आर देयर, अगर ऐसा दिया रहा है कि 4 terms हैं इसके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी. ठीक है, अगर 4 terms हैं तो दिस विल बी द वैल्यूएशन, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? इसको अज्यूम कर लीजिएगा. ठीक है, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी. क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. तो यहां पे डिवाइड 32 × 4 parts विच आर इन एपी. आपको भाई साहब 32 को 4 parts में डिवाइड करना है विच आर इन एपी, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 7. ठीक है, तो आप भाई साहब यहां पे 4 parts में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई साहब? यहां पे
ए, एक और काम कर सकते हैं भाई साहब, ए माइनस, चलिए कर लेते हैं. सो लेट द ए पी, लेट द ए पी बी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस सॉरी ए माइनस टू डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी. ये हो जाएगा ना भाई साहब, सब में डी ऐड करोगे तो ये ए पी हो गया आपका. ठीक है, 32 इंटू फोर पार्ट्स. तो पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा पांडे, पहला इक्वेशन क्या होगा? नहीं 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 वरद, पहला इक्वेशन क्या होगा? ज्योति, अरे भाई साहब 32 को आपने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब इन चार पार्ट्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 32. ठीक है, सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी हाउ मच, ए माइनस टू डी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, दिस शुड बी इक्वल टू 32. सिंपल है भाई साहब. ठीक है, ये माइनस टू डी और प्लस टू डी कैंसिल हो गया, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया. अभी समझ में आ रहा है क्यों हमने इस फॉर्मेट में लिया है, क्योंकि आपका कैंसिल हो सके. ठीक है, इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में लिया है. ये भी एक ए पी है जिसका पहला टर्म आपका ए माइनस डी है और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है? डी है. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? देयर फॉर 4a इज इक्वल टू 32. इससे आपकी भाई साहब a की वैल्यू निकल गई कितनी? 8. ठीक है, क्लियर है. अभी सेकेंड इक्वेशन पे जाते हैं. सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स मतलब ये वाला फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7. मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया, मतलब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. किसको? a माइनस टू डी एंड a प्लस टू डी, और रेशियो निकाला किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, दैट इज a माइनस डी इंटू ए प्लस डी. इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी आ रही है? 7:15. द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू 7:15. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? आर वी क्लियर? ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस टू डी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? ए स्क्वायर माइनस फोर डी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? भाई देखो यहां पे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ही जा भाई साहब तू, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया ये, तो ए स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15. यहां पे कितना हो जाएगा? देखो a की वैल्यू डालो यहां पे कितना हो गया? 64. सो दिस विल बी 64 माइनस फोर इंटू डी का स्क्वायर अपॉन, यहां पे कितना हो जाएगा? 64 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15. ठीक है, क्लियर है. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, तो 15 इंटू 64 माइनस 4 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी का स्क्वायर. तो 15 इंटू 64 कितना आ गया भाई साहब आपका? 4 5 20, 6 5 30, 31 32, 4 1 4, 6 1 6, 0, 4 + 2 6, तो ये हो गया आपका 960. सो दैट विल बी 960 माइनस, ये हो गया आपका 60 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 7, 4 7 28, 6 7 42, 43 44, तो ये हो गया आपका 448 माइनस 7 डी का स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो अभी अगर भाई साहब हम इसको करते हैं, तो इसको भाई साहब इधर किया तो ये कितना हो गया? माइनस 60 डी का स्क्वायर प्लस 7 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 448 माइनस 960. ठीक है, ये 960 है, 448 है, तो आपका कितना हो गया ये बोलो? माइनस 53 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 960 माइनस 448, 910, 5 से 4 गया 1, 9 से 4 गया 5, तो ये हो गया आपका माइनस 512. ठीक है, क्लियर है. 53 इंटू 4 करके देखते हैं, 3 4 12, 5 4 20 नहीं आएगा भाई साहब. 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 27, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है?
960 माइनस 448 कितना आ रहा है? इतने आ रहा है 512। साहब देखो एकदम ऐसे बैठे हुए अय्याशी है भाई साहब यहाँ पे, है ना। कुछ पेन नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, चलेगा तो बकवास वाला मुंह चलेगा बस। अच्छा ए माइनस थ्री डी लिया है, चलिए भाई सर इससे भी क्या होगा, ए टी तो आएगा इवन डेट ए प्लस थ्री डी। ठीक है ए माइनस थ्री डी कर दीजिए इसको, ठीक है। ये आपका ए माइनस थ्री डी है एंड दिस विल बी ए माइनस डी एंड दिस विल बी ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ए माइनस थ्री डी है, अगर हमने इसको प्लस टू डी किया तो कितना आ जाएगा ए माइनस डी, ठीक है। ए माइनस डी है और प्लस टू डी किया तो आपका कितना आ जाएगा ए प्लस डी, है ना भाई साहब। देखो ए माइनस डी है क्योंकि ए प्लस डी नहीं आएगा, देखो हमारा यहाँ पे ये मैंने गलत किया यहाँ पे, क्योंकि ए माइनस थ्री डी करेंगे और उस पर अगर हमने 2d को ऐड किया तो जाकर एक ए माइनस डी आएगा। ए माइनस डी प्लस 2d करेंगे तो आपका भाई साहब कितना आएगा a प्लस डी आएगा, है ना। सो दैट वॉज द रॉन्ग अजम्पशन। वाह ओके 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 तो यहाँ पे अगर आपको चार टर्म्स मानना है तो देखिए तीन टर्म्स अगर रहेगा सो वी विल अज्यूम ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। अगर चार टर्म्स रहेगा तो ए माइनस थ्री डी ए प्लस सॉरी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। तो ऑब्वियसली अगर हम 32 को डिवाइड कर रहे हैं तो ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी दिस शुड बी इक्वल टू 32 माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल माइनस डी प्लस डी कैंसिल तो 4a इज इक्वल टू 32 देयर फॉर ए इज इक्वल टू 32 बाई 4 तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 a की वैल्यू हो गई 8 ठीक है क्लियर है ओके। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द मीन्स अभी देखो भाई साहब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द मीन्स ये रेशियो तो a माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी ये प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स हो गया टू द मीन्स a माइनस डी इंटू ए प्लस डी दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 7/15 तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस थ्री डी का स्क्वायर ये हो गया आपका 7/15 तो ये हो गया आपका कितना ए स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर सो दैट विल बी हाउ मच 15a का स्क्वायर माइनस 5 9s are 45 9 1s are 9 plus 4 13 135 डी का स्क्वायर दैट विल बी 7a का स्क्वायर माइनस 7d का स्क्वायर ठीक है। अभी a के स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 64 सो दिस विल बी चलिए भाई साहब इसको इधर ही कर लेते हैं तो ये आपका हो गया 15a का स्क्वायर माइनस 7a का स्क्वायर विल बी इक्वल टू
135 डी का स्क्वायर माइनस 7 डी का स्क्वायर, तो 15 ए का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 8 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 135, 8 प्लस 7 15, 128 हो गया ना, 128 डी का स्क्वायर, ठीक है। 8 ए का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 8 इंटू 64 इज इक्वल टू 128 डी का स्क्वायर, तो 8 इंटू 64 बाई 128 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, 64 वन जा 64, टू जा 2 4 जा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, प्लस माइनस 2। अब देखो दोनों तरफ जा सकते हैं आप, प्लस माइनस 2, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 कंसिडरिंग, लेकिन आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा देखो, ठीक है। टेकिंग डी, टेकिंग डी इज इक्वल टू प्लस 2, तो आपका सीरीज क्या बन जाएगा बोलो, ये वाला सीरीज बन जाएगा, तो ए दैट इज 8 माइनस 3 इंटू 2, दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, सो दैट विल बी हाउ मच, 8 माइनस 6 दैट इज 2 हो गया, ये 8 माइनस 2 ये हो गया 6, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया आपका 14, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर सीरीज, ओके। दूसरा सीरीज आपका क्या हो जाएगा, टेकिंग डी इज इक्वल टू माइनस 2, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2, 8 माइनस 8 माइनस माइनस 3 इंटू सॉरी 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2, ठीक है, यहां पे हो गया 8 माइनस माइनस 2, सो दैट विल बी 8 माइनस माइनस 2, 8 माइनस माइनस 2 यहां पे हो गया आपका 8 प्लस, आपने माइनस 2 लिया है तो ये माइनस 2, ठीक है, 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 माइनस माइनस 6 दैट इज प्लस 6 हो जाएगा, 8 प्लस 2, 8 माइनस 2 एंड 8 माइनस 6, सो 8 प्लस 6 14, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 6, ये हो गया भाई साहब आपका 2, 2 6 ए हाँ 2 6 10 14, ऐसे जाओ या ऐसे, आपको यही चार टर्म्स मिलेंगे। द फोर टर्म्स दैट यू आर गोइंग टू गो वेदर दिस वे और दैट वे, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, दैट इज 2 6 10 14 एंड 14 10 6 2, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। अरे बाप रे, सुपर एक्टिव भाई साहब, मैं ना अभी सच में बैठाने वाला हूँ, जितना एक्टिवनेस दिखेगा ना आपको बाहर जाते हुए, आई विल मेक श्योर दैट यू आर एबल टू सिट,